दुर्ग से बड़ी खबर है, आज रात से ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। दुर्ग रायपुर के बीच डबरा पारा में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। निर्माणधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम होगा। आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। नेशनल हाईवे 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहा है, आज लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल भिलाई के डबरा पारा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये है डबरा पारा का फ्लाईओवर, जहाँ पर बन रहा है वो वही जगह है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन आ रहे हैं वो रायपुर की ओर से दुर्ग की ओर जा रहे हैं और आज इसी स्थान पर जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। यहाँ पर पाइपलाइन का कार्य किया जाना है और इस वजह से यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन सकती है। दरअसल ये जो सर्विस लेन है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर जो है वाहनों को पूरी तरह से राइट डाइवर्ट करके उनको दुर्ग की ओर भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन जो भविष्य के लिए है वो पाइपलाइन डालना बेहद आवश्यक माना जा रहा है और यही वजह है कि आज ये पाइपलाइन को डाला जा रहा है। ट्रैफिक विभाग ने सभी से सहयोग की अपील की है और साथ ही यदि बचने के लिए, ट्रैफिक के जाम से बचने के लिए, वे पाटन मार्ग का भी सहारा ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य का अपने निवास पर स्वागत किया और पादुका पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आए शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिषपीठ जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सपरिवार विधि विधान से पादुका पूजन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, चंद्रदेव राय के साथ कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सरगुजा संभाग में जिन ग्रामीण परिवारों के घर भोजन किया था, आज उन्हें अपने निवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों का स्वागत किया। सीएम ने कहा, जिस स्नेह और अपनत्व से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हूं। आज मुझे आप सभी को अपने निवास पर आमंत्रित कर स्वागत करने का अवसर मिला। कल रात आज रायपुर संभाग के परिवारों को सीएम ने अपने निवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया था। सीएम निवास पर आयोजित भोज में शामिल होकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत जारी है। शराबबंदी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कानून से वो बात नहीं होते। यदि जनता शराबबंदी चाहेगी तो सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें शराब का बड़ा हाथ है। अगर क्राइम पर लगाम लगाना है तो शराबबंदी करनी होगी। शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शराबबंदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी के वादे से मुकर गई, विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी, तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में शराबबंदी नहीं चाहती है। लगाएगी तो सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और शराब पी के जो आएगा गांव में उसको सफाई कर देंगे और उन्होंने ये शुरू किया। घर घर दो चार जहां पिटे, अब गांव में शराब आना बंद हो चुकी है। बिहार में शराब बंदी हुई, नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन ब्लैक में वहां मिल रही है। गुजरात में जाने कितने समय से, जब मोरारजी देसाई का कार्यकाल था उसी समय से नशाबंदी है, लेकिन हर गांव में शराब मिलती है। बीच बीच में कच्ची शराब पीने से कई लोग मरते भी हैं, उसके समाचार भी प्रकाशित होते हैं। तो कानून से वो बात नहीं होती है, जब जनता स्वयं चाह लेती है तब चीज हो जाती है। अगर जनता चाहेगी सरकार को मदद करनी चाहिए, बंदी करनी चाहिए। देखिए जितने अपराध हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंश शराब पीने के बाद किए गए अपराध का है। अगर शराब बंदी कर दी जाए, तो अपराध का ग्राफ नीचे चला जाएगा। इसलिए अपराधों से अगर बचना है तो शराब को बैन करने की जरूरत है। आज
जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जाते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोशियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कोंडागांव पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मंडल स्तरीय बैठक ली और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बस्तर क्षेत्र की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रभारी ने नए संसद भवन के लोकार्पण पर कांग्रेस की नाराजगी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उद्घाटन के दौरान क्या किया था, साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ दौरे पर आए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के सवाल पर पलटवार किया। कि मैं एक एक विधानसभा की कोर टीम जो 15-16 की होती है उसके साथ भी बैठ रहा हूँ, बड़ी टीम के साथ भी बैठ रहा हूँ, जिले की टीम के साथ भी बैठ रहा हूँ और हर टीम को यानी हर कार्यकर्ता को काम में हाथ दे रहा हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से 12 की 12 सीट जीतेंगे। और शायद उनकी कल्पना में यह नहीं था कि फाउंडेशन भी यही करेंगे और उद्घाटन यही करेंगे, तो इसलिए तो उन्होंने ये विषय उठाया कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, संसद भवन है। और मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ, अभी आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया? उत्तर प्रदेश के श्री प्रमोद तिवारी जी आए थे, उन्होंने हमसे 9 सवाल तो पूछे, लेकिन साथ साथ में एक बात और कह गए कि मैंने नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री दिखाई थी और उसमें 24 में कोई उनके शासन का हक नहीं बनता है, उनमें योग नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को और मेरे मित्र प्रमोद जी को ये कहना चाहूँगा कि पहले वो कांग्रेस की जन्मपत्री दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उसकी चिंता करें।